आर टू न्यूज़ देखने वाले दर्शकों प्यार भरी सत श्रीकाल नमस्कार अदाब। कस्टम विभाग अमृतसर के पुलिस कमिश्नर नू मिली वड्डी कामयाबी। आईसीपी अटारी नू सर्च ऑपरेशन दौरान काफ़ी मात्रा दे विच हीरोइन मिली है। अमृतसर तो राजन दी रिपोर्ट। नमस्कार, गुड इवनिंग। आपको यहाँ शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए धन्यवाद। कल दोपहर में हमारा एक एग्जामिनेशन शुरू हुआ था आईसीपी अटारी में, जिसमें लिकरस रूट ये डिक्लेयर्ड आइटम था, वो होता है मुलेट ही जिसको हम बोलते हैं। तो वो एग्जामिन करते वक्त हमने जब एक्सरे मशीन में रखा तो उसमें इररेगुलर इमेजेस आए थे। तो बेस्ड ऑन दैट, उसके बेसिस पे हमने वो 100% एग्जामिनेशन पे किया। तो हमें देखा, हमने पाया कि उसमें ऐसे कुछ पीसेस है जो मिक्स हुए हैं मेन मुलेटी के कंसाइनमेंट में। तो ऐसे पीसेस हमने सेपरेट किए, सेग्रीगेट किए, और फिर वो ऑफिस में जाके वो ये ऐसा इसमें कैविटी बनी हुई थी, कैविटी के अंदर था, तो सारा इंडिविजुअल ब्रेक करके तोड़ के हमें वो निकालना पड़ा। तो मुलेटी का ये ऐसे वुडन ब्लॉक लगभग 485 किलोग्राम के लॉक्स थे। वो हमने पूरी रात भर ऑलमोस्ट करके बहुत लंबा टाइम लगा, बिकॉज इंडिविजुअली एक एक करके तोड़ना पड़ रहा था। तो वो करके आज हमने वो कंप्लीट किया प्रोसीजर। तो उसमें 102 किलो का सस्पेक्टेड मटेरियल मिला है। वो जो मटेरियल है, हमने ड्रग डिटेक्शन किट से उसको टेस्टिंग किया, हमने भी किया, बीएसएफ ने भी किया, और दोनों में वो हेरोइन के लिए पॉजिटिव पाया गया है। तो इसकी जांच के लिए हम वो आगे लेबोरेटरी भेजेंगे, बट इन द मेन टाइम हमने वो सारा सीज करके यहाँ लाया है। हम आपको फोटोग्राफ इसके थोड़ी देर में दे देंगे। मैं एक प्रेस नोट भी लाया हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें थोड़े फोटोग्राफ। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगी कि जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो चल रहा है, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में बोल नहीं पाऊंगा। ओनली सीजर पोर्शन के लिए हम अभी बता पा रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो हम इसमें तुरंत जानकारी देंगे। दिल्ली जानी थी, देयर वाज इट सपोज्ड टू बी डिलीवर्ड, द इंपोर्टर वाज फ्रॉम दिल्ली। ये इंपोर्टर जो है दिल्ली का, तो ये पहली कंसाइनमेंट मिला है। मैं इसमें और डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो अभी नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दैट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सीजर के बारे में आपके कोई अगर डाउट है तो सीजर के डाउट्स प्लीज पूछिए। सर, ये जानी कहाँ थी? ये कंसाइनमेंट जानी दिल्ली का इंपोर्टर, दिल्ली के इंपोर्टर। सर, कौन है कंपनी का नाम? इट अराइव ऑन फ्राइडे 22nd, इट अराइव, इट गेट्स ओपन एंड एग्जामिन ऑन द नेक्स्ट डे। सर, इससे पहले कितनी कंसाइनमेंट वाज बाय ये दिल्ली का? इसमें जो प्रोसीजर होती है उस हिसाब से हम एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे करते हैं। सर, दिल्ली की कंपनी थी जिसने मंगवाया था ये जो, तो उसका नाम क्या था? वी विल गिव ऑल द डिटेल्स सब्सिक्वेंटली व्हेन द इन्वेस्टिगेशन टेक्स फॉरवर्ड। इस दौरान आप समझिए, इन्वेस्टिगेशन को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लाइव इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कोई लिमिटेशंस होते हैं। सो प्लीज बेयर विद मी कि सीजर को एजेंट के बारे में बोला है। एजेंट का कुछ रोल आया सामने? सर, कैविटी ले आइए सर। वन क्वेश्चन है, एजेंट का कोई रोल आया सामने? वी विल शिफ्ट दिस नाउ। वन क्वेश्चन, कैविटी कहां पे बनी थी? ट्रक के किस पार्ट में? थोड़ा ट्रक पे नहीं था, सामान में था। जो बैग्स हमने मुलेटी के बैग्स खोले, तो बैग्स के अंदर मुलेटी भी थी और ऐसे पीसेस भी थे। Okay. जब वो बड़ा बोरा होता है, जो बोरा होता है, वो जब हमने खोला और ऐसे पीसेस एग्रीगेट किए, कैविटी इसमें थी। मुलेठी भी ऐसी होती है? मुलेठी का कलर ऐसा होता है, वो थिन होता है, थोड़ा सा पतला होता है, इससे इतना बड़ा नहीं होता, इससे थोड़ा छोटा ही होता है। तो वो इसलिए वो थोड़ा सा हम सेग्रीगेट। सर, हाउ डिफिकल्ट इट वाज? यू नो, इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑल माय ऑफिसर्स हु आर इन आईसीपी, दे डिड अ वंडरफुल जॉब ऑफ एग्जामिनिंग 100% स्कैनिंग होती है सारे माल की। क्योंकि आपको मालूम है, अगस्त 2021 में जो वो तालिबान में जो अफगानिस्तान में चेंजेस आए, उसके बाद हमने 100% एग्जामिनेशन शुरू किया है। तो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑल माय टीम, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें बहुत सटीक काम किया है।